इसलिए देखो मैंने प्रेस कर ली है अपनी सारी बेल्ट, मैंने फोल्ड करके सारी बेल्ट मैंने प्रेस कर ली है। देन फाइनल हम टॉप स्टिच देंगे इस पर। आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि अगर आप इसको पहले ही अपनी पूरी बेल्ट को फोल्ड करके आप प्रेस कर लो, बस एक फाइनल स्टिच लगाना होगा। प्रेफर करना बैक साइड से आप पहले स्टिच करो, देन आपकी बेल्ट फ्रंट पे आनी चाहिए, क्योंकि जो टॉप स्टिच है वो फ्रंट पे पूरा फिनिश्ड दिखना चाहिए। तो बैक साइड से प्लेकेट लगाना स्टार्ट करेंगे और टाउन उसको फ्रंट साइड पे लगेंगे, ताकि फाइनल टॉप स्टिच जो आएगा वो फिनिश्ड आएगा ऑन द फ्रंट साइड। ये देखो ये मेरी एक्सटेंशन है यहाँ पे, जो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 inches की एक्सटेंशन रखी है। और ये आपने कंटिन्यू स्टिच लगाना है, कंटिन्यू स्टिच ऑन द अपर साइड ऑफ द बेल्ट ऑल्सो, ताकि आपकी बेल्ट जो है एक जगह स्टेबल रहे।
तरह से ये मेरा ये एक्सटेंडेड है, यहाँ पे हमारी हुक लग जाएगी और इस तरह से ये टर्न होगा। मोरओवर ऑन दिस जो ये ओपनिंग है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी आप हुक्स और आई बनाओगे और यहाँ पे भी आप हुक जो हमारी स्कर्ट वाली हुक होती है वो यहाँ पे लगे, ये स्कर्ट है। मोरओवर आप इसको यहाँ पे लूप्स भी ऐड कर सकते हो, ऑन द टॉप आप लूप्स ऐड कर सकते हो जैसे स्कर्ट्स के अंदर होती हैं, और उसकी बेल्ट भी बना सकते हो एक्स्ट्रा से। ठीक है, ये मेरी बेल्ट हो गई है और ये मेरा एक्सटेंशन है, यहाँ से एक्सटेंशन जो इस तरह से यहाँ पे हुक और बटन लगेगा, और ये मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द स्कर्ट है, स्कर्ट की लेफ्ट साइड। देन लास्ट हमारी ऑलमोस्ट सारी मेरी जो स्कर्ट कंप्लीट है, ये लास्ट आपने बॉटम फोल्ड करना है, लास्ट हमने बॉटम मशीन स्टिच करना है, और वो आप अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको आपको बॉटम ब्रॉड रखना है तो आप 3-4 inches एक्स्ट्रा रखना नीचे, अगर आपको 1 inch का बॉर्डर चाहिए तो आप 1 inch ही फोल्ड करो। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 inch ही रखा था तो मैं 1 inch ही फोल्ड कर रही हूँ। ये भी आप पहले प्रेस कर सकते हो प्रॉपरली, इसको नीट एंड क्लीन प्रेस कर लो, देन आप एक फाइनल स्टिच दे देना है, डबल स्टिच भी दे सकते हो। और लास्ट आपने पूरी अपनी स्कर्ट प्रेस करनी है, अपनी प्लीट्स को सेट करना है। बॉटम मैं नीचे फोल्ड कर रही हूँ, मशीन बास्टिंग कर रही हूँ। नीचे डबल स्टिच भी दे सकते हो, नीचे आप लेस वगैरह ऐड कर सकते हो, रिबन्स ऐड कर सकते हो आप इसमें नीचे। मोर ओवर आप प्लेन प्रिंटेड फैब्रिक, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो अपने स्कर्ट बनाने के लिए, ठीक है। और डिज़ाइनिंग भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, कोई लेस ऐड कर सकते हो, रिबन ऐड कर सकते हो, पाइपिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है, सब तो यूज।
फिर मैंने नीचे बॉटम पे भी स्टिच कर लिया, इसको बॉटम पे स्टिच कर लिया। नेक्स्ट बस आपकी नेक में हो। मेरी ये बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट कंप्लीट होगी, मेरी बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट जो है वो कंप्लीट होगी।